प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा वंदे मातरम गीत की 118वीं जयंती मनाई गई। सामाजिक संस्था प्रणाम वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में लक्ष्मीकुंड स्थित समाधान पार्क पर वंदे मातरम गीत की 118वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारत माता व बंकिमचंद चटर्जी के चित्र पर माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित कर वंदे मातरम गीत का सामूहिक गान किया गया। कार्यक्रम में अनूप जायसवाल ने कहा कि वंदे मातरम गीत सन्यासी क्रांति की भूमिका पर लिखे उपन्यास आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया था, जो आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों के लिए प्राण वायु व ऊर्जा का स्रोत बना। बंकिमचंद जी के द्वारा रचित ये राष्ट्रीय गीत हर भारतीय को राष्ट्रभक्ति के भावनात्मक स्तर पर ले जाता है। ऐसे राष्ट्रभक्ति की कालजयी रचना को रचने की प्रेरणा बंकिमचंद जी भारत माता के आशीर्वाद व उनकी प्रेरणा से कर एक श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में भारत के इतिहास में अमर हो गए। इस 118वीं वंदे मातरम गीत जयंती पर हम सब उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर उस पर चलने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम का नेतृत्व अध्यक्ष अनूप जायसवाल, संचालन मनीष चौरसिया, धन्यवाद सतीश वर्मा व धीरेन्द्र ने किया। आज हम सब इस लक्ष्मीकुंड स्थित समाधान पार्क में वंदे मातरम गीत की 118वीं जयंती को यहाँ मनाया है। हम सब ने 1905 में सर्वप्रथम ये कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता प्राप्त थी। तब से निरंतर हम सब 7 सितंबर को वंदे मातरम गीत दिवस के रूप में मनाते हैं और इसको हम सब ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण पुष्पांजलि तथा बंकिम चंद्र जी के चित्र पर माल्यार्पण पुष्पांजलि करके सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत का गान किया है। यह गीत हम सब के स्वतंत्रता संग्राम में इतना क्रांतिकारियों बलिदानियों में इतना प्रचलित हुआ कि इस गीत के माध्यम से क्रांतिकारियों को एक प्राण वायु मिलती थी और आज़ादी के महासमर में हंसते हंसते वो प्राणों को न्यौछावर कर देते थे। तो इस गीत को जब हम सब गाते हैं तो राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण की भावना और बढ़ जाती है। इसलिए हमने आज 118वीं जयंती पर बंकिमचंद जी भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण पुष्पांजलि करके इस गीत की जयंती को मनाया है।